अगला सवाल है, अ मैन गोज फ्रॉम मुंबई टू गोवा. ओके, अ मैन गोज फ्रॉम मुंबई टू गोवा. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट अ मैन गोज फ्रॉम मुंबई टू गोवा. सपोज दिस इज मुंबई एंड इज गोइंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा. ओके, एंड हाफ द डिस्टेंस, सी दिस इज सपोज हाफ द डिस्टेंस, सो हाफ द डिस्टेंस ही कवर्स एट अ स्पीड ऑफ, सो दिस इज स्पीड. ओके, दिस स्पीड इज गिवन टू यू 50 किलोमीटर पर आवर. इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरी स्पीड है और हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जो रिमेनिंग हाफ है, वहाँ पर स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम वाई बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? टू इक्वल पार्ट्स वाला. अरे, टू इक्वल पार्ट्स में अगर दो इक्वल डिस्टेंसेज हैं तो हमारे पास तो डायरेक्टली फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का. दैट विल बी नथिंग बट 2xy/x+y. बस यू हैव टू पुट वैल्यूज हियर. 2 × x, व्हाट इज x? 50 × y, y इज 70/x+y, 50 + 70. सो दिस विल बी 2 × 50 × 70/120. सो व्हाट इज द आंसर? तो आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं. यू कैन कैंसिल 0 से 0, 2 6 जा, एंड दिस विल बी 7 5 जा 350/6. ठीक है, 6 5 जा 30. ओके, एंड 6 8 6 जा 48, 2 बचा. ठीक है, एंड ठीक है, 58.3333 आ रहा है. वेरी गुड, 58.3 किलोमीटर पर आवर. वेरी गुड. ओके, तो बहुत ही आसान सवाल था, डायरेक्टली हो गया. ओके, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगाया बस.